डियर चिल्ड्रेन, मैं दुलाचंदा स्वागत करता हूँ आप सभी का। बच्चों, हम लोग चैप्टर 3 को ख़त्म कर चुके हैं। ये क्लास 5 का मैथ है और हम लोग ख़त्म कर चुके हैं चैप्टर 3 को और हम लोग चैप्टर 4 में आ गए हैं। हालांकि मेरे पास उसका बुक नहीं है और उसका मैंने अपने मोबाइल में पिक्चर लेकर एक PDF बना लिया है, तो उसमें सारे पिक्चर्स मैंने नहीं लिए थे। चैप्टर 4 का यही पिक्चर स्टार्टिंग से है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये एक अलग टाइप का मल्टीप्लाई दिया हुआ है। आप इसको पाएंगे, इसको आप आगे में मिलेगा इसको, और ये यहाँ पे दिया हुआ है जो आप देख रहे हैं। बीच बीच में ब्लैंक्स दिया हुआ है और यहाँ पे भरने के लिए कहा गया है। इसको जो है मिलेगा आपको बनाने के लिए आगे। यहाँ पे दिया हुआ है मल्टीप्लाई, विशेष करके मल्टीप्लाई दिया हुआ है इस चैप्टर में। आप देख रहे हैं इसको मल्टीप्लाई करना, जैसे 100 से, 1000, 1000 से, 200 से, तो इसको जो है आसानी से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको जैसे एक्सरसाइज बनाऊंगा तो उसमें आपको करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे उस तरह का मल्टीप्लाई दिया हुआ है। और इस एक्सरसाइज में यहाँ पे आप देख रहे हैं 17 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 17 में कुछ अलग टाइप का ये दिया हुआ है, तो उसको भी आप लोगों को मैं जब एक्सरसाइज कंप्लीट करवाऊंगा उसमें आप लोगों को बताऊंगा, इसमें भरने के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इसके अलावा इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स दिया हुआ है मल्टीप्लाई का, इसके अलावा इसमें दिया हुआ है ये वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 15 में। और इसके बाद यहाँ पर डिवाइड दिया हुआ है, तो डिवाइड तो आप लोग बना चुके होंगे इसलिए इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को मैं डायरेक्ट बनाकर दिखाऊंगा। लेकिन क्लास 5 में क्या होता है, डिवाइड जो होता है काफ़ी बड़ा बड़ा डिवाइड दिया रहता है ताकि बच्चों में कॉन्फिडेंस आ जाए कि डिवाइड जो है वो आसानी से बना सके, इसीलिए मल्टीप्लाई भी काफ़ी बड़ा दिया रहता है और डिवाइड भी काफ़ी बड़ा दिया रहता है, क्योंकि इसके बाद जो क्लास 6 क्लास होता है वहाँ पर बच्चों को इस तरह का डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं मिलता है, वहाँ पर दूसरे प्रकार का क्वेश्चन दिया जाता है। तो इसीलिए ये समझिए कि मल्टीप्लाई और डिवाइड का ये लास्ट क्लास है ये, इसलिए बड़ा बड़ा दिया रहता है। यहाँ पे आप देखते हैं, देख रहे हैं एक्सरसाइज 16, इसमें काफ़ी बड़ा बड़ा डिवाइड दिया हुआ है जिससे कि बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। तो ये जो एक्सरसाइज 16 का ये जो डिवाइड है, इस वीडियो में पहले बना चुका हूँ, ऑलरेडी वहाँ पे डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो जो नहीं बना हुआ होगा उसको मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर एक्सरसाइज में बना हुआ है, डिवाइड बना हुआ है आप देख रहे हैं। और 17 में, एक्सरसाइज 17 में यहाँ भी डिवाइड है, डिवाइड का वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, ये भी लगभग उसी तरह का बनेगा, तो मैं आप लोगों को सारा ये करके दिखाऊंगा। 18 में भी उसी तरह का दिया हुआ है, डिवाइड और मल्टीप्लाई इसमें मिक्स करके दिया हुआ है, दोनों ही चीज़ें इसमें डाला हुआ है। उसके बाद आप लोगों को जैसे कि हर चैप्टर के अंत में दिया जाता है चैप्टर टेस्ट, उस तरह से इसमें दिया हुआ है। बच्चों, इंट्रोड्यूसिंग वीडियो बनाने का और एक रीज़न है कि मैं पहले बताया था एक वीडियो में कि इंट्रोड्यूसिंग जो वीडियो में बनाऊंगा तो उस चैप्टर का जितने भी वीडियो बनेगा सारा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं डाल दूंगा, इसलिए मैं इंट्रोड्यूसिंग वीडियो बना रहा हूँ। इसके अलावा इंट्रोड्यूसिंग वीडियो में कुछ पहले बता देना उचित रहता है, बच्चे लोग पहले से पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ पढ़ाई करना है। इसका पिछला चैप्टर, चैप्टर 3 का, मैंने कोई इंट्रोड्यूसिंग वीडियो नहीं बनाया, एक्चुअली उस चैप्टर में सिर्फ ऐड और सबट्रैक्शन है, इसके अलावा एस्टिमेटेड ऐड सबट्रैक्शन है। तो उस चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइज हैं उसका सारा लिंक जो है उस चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज जो होगा उसमें मैं सारा लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और उसमें आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। इस तरह से आप लोगों को सारे एक्सरसाइज का लिंक कहीं प्रोवाइड हो जाएगा, तो इससे आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो आइए हम लोग मिलकर एक साथ इसके एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं, बनाएंगे और समझेंगे कि ये किस तरह से आसानी से हम लोग बना सकेंगे। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज 14 में।